हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं निशांत सिंघल आप लोगों के सामने 11th क्लास का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपकी बुक मुरारी है। इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका विशेष प्रवेश। ध्यान से देखना सभी, पहला चैप्टर कौन सा है आपका? विशेष प्रवेश। जब आप इस चैप्टर को देखेंगे अंदर से, तो आपको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल कंसेप्ट मिलेगा। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। देखिए गौर से, इसमें सबसे पहले आपको कुछ इतिहास के बारे में बताया गया है। दशामिक मुद्रा प्रणाली, या फिर आप दूसरी हेडिंग देखेंगे माप तोल की मैट्रिक दशामिक प्रणाली। इसके अंदर आपको बेसिकली जो मीटर, लीटर या सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ये सब स्केल्स होते हैं, इनके बारे में आपको बताया गया है, जो कि चैप्टर वाइज आपको अपने आप आते चले जाएंगे। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ इसका पहला चैप्टर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें स्केल्स के बारे में नॉलेज दी गई है, जो कि आपको चैप्टर के साथ साथ अपने आप आते चले जाएंगे। अब देखिए, इसका मैं दूसरा चैप्टर आप लोगों के सामने स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है 11th क्लास का, जिसमें दूसरे चैप्टर का नाम है आपका अनुपात तथा समानुपात। तो आइए चलते हैं इस चैप्टर की ओर, ध्यान से देखेंगे सभी। अब इस चैप्टर में सबसे पहले कुछ बेसिक बातें मैं अपने पास से बताना चाहता हूं, तो सभी ध्यान देंगे। यहां से इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक्सरसाइज 2A। देखिए, सबसे पहले अनुपात तथा समानुपात। अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हम अंतर जानेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या अंतर होता है या रेशियो क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है रेशियो। देखो, रेशियो का मतलब क्या होता है? एक जैसी किन्हीं दो वस्तुओं की आपस में तुलना करना अनुपात कहलाता है, यानी कि इंग्लिश में रेशियो। अब देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है, एक जैसी किन्हीं दो वस्तुओं, सबसे पहले वस्तु कितनी होनी चाहिए? दो। और वस्तु वो भी कैसी हो? एक जैसी। इन शब्दों पर भी गौर करेंगे, जब सवाल करेंगे तो आपको इन शब्दों का मतलब समझ में आएगा। एक बार मैं परिभाषा फिर पढ़ता हूँ, एक जैसी किन्हीं दो वस्तुओं की आपस में तुलना करना क्या कहलाता है? अनुपात। देखिए, अब चलता हूँ मैं सवालों की ओर। एग्जाम्पल फर्स्ट, देखिए 2.90 रुपये और 8.70 रुपये में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसे हल करने के कई तरीके हैं, जैसे कि मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। 2.90 रुपये, पहले तो मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूँ कि 2.90, यानी कि 2.90 रुपये और की जगह अनुपात की बिंदी। 8.70 रुपये, 8.70, हमें इन दोनों में अनुपात बताना है। तो देखो, कई तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि पॉइंट यहाँ से हटाकर नीचे दो डिजिट जीरो बढ़ा सकता हूँ, यहाँ भी पॉइंट हटाकर 20, और ये 100 से 100 खत्म। अब ये हमारे पास हो गया 290 और ये हो गया 870, यहाँ भी दोनों में 0 से 0 खत्म। मैं इसे चाहूँ तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 29/87। अब जब मैंने देखा दोनों एक टेबल में आते हैं, 29 से 29, 29 दिया 87, तो 2.90 रुपये और 8.70 रुपये दोनों में कितने का अनुपात है? 1:3। दोनों में कितने का अनुपात? 1:3। अच्छा जी, अब देखिए इसी क्रम में थोड़ा सा भी और देखिए, जब इसका बेसिक क्लियर होगा आप लोगों के सामने। निम्न अनुपात को उसके लघुत्तम रूप में लिखिए, जैसे कि आपके सामने संख्या है 128:144। तो देखो, इसको लघुत्तम रूप में कैसे लिखते हैं? लघुत्तम का मतलब क्या होता है? लघुत्तम का मतलब होता है छोटे से छोटा। लघुत्तम का मतलब क्या होता है? छोटे से छोटा। देखिए, अब जैसे ये 128 है, पहले इसे प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे, तो हम यहाँ पर हेडिंग देंगे लघुत्तम रूप में लिखने पर, लघुत्तम रूप में लिखने पर। जब हम इसे इसके लघुत्तम रूप में लिखेंगे, तो पहले तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 128/144। और हमने देखा कि एक तो हमारे पास डायरेक्ट तरीका है कि भाई दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 16 के में। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 4 64, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112 और 16 8 128 और 16 9 144। या फिर दूसरा तरीका है कि आप इन्हें 2 से डिवाइड करते चले जाएं, या आप इन्हें 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे, जैसे भी आप कैलकुलेशन करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। हर तरीके से, हर दशा में आंसर आपका सेम आएगा। तो जैसे कि पहले मैं इसे 2 से डिवाइड करके दिखाता हूँ, 2 6 12, 2 4 8, 2 से 2 7 14, 2 2 4। फिर मैं इसे फिर 2 से फिर डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से 2 3 6, 2 2 4, 2 से 2 3 6, 2 6 12। अब मैंने देखा दोनों 2 के टेबल में भी आ रहे हैं, या फिर 4 के में भी आ रहे हैं, 4 से 4 8 32, 4 9 36। लेकिन अब दोनों अलग अलग टेबल में हैं, तो यहाँ पे इनका अनुपात हो गया 8:9। यानी कि मैं कह सकता हूँ 128 और 144 में जो अनुपात है वो क्या है? 8:9 का अनुपात है। और ये इसका क्या है? लघुत्तम रूप। क्या है इसका? ये लघुत्तम रूप।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, 28/196। अब आप चाहें इसे भी सेम पहले दो की टेबल से डिवाइड करते चले जाइए, डायरेक्ट आपको कोई टेबल आता हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। दो से जब डिवाइड करेंगे, दो एकम दो, दो चौका आठ, दो से दो अट्ठे सोलह, दो निम अट्ठारह और दो अट्ठे सोलह। अब चौदह, चौदह के टेबल में डायरेक्ट भी आता है या आप चाहें तो फिर दो से कर सकते हैं। दो सत्ते चौदह, दो सत्ते चौदह और दो से दो चौक आठ और आपका एक आ गया दो निम अठारह। अब दोनों किसके टेबल में आते हैं, सेवन के। सात एकम सात, सात सत्तर उनचास, तो क्या अनुपात आया, एक अनुपात सात। उम्मीद है बेसिक समझ में आया होगा कि लघुत्तम रूप का मतलब क्या होता है। जो आपको दो संख्या दी हों, कोई भी दो संख्या आपको अनुपात में दी हो, उन्हें छोटे से छोटे रूप में लाकर लिखना लघुत्तम रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, लघुत्तम रूप। अब देखिए इसी क्रम में मैं अभी इसमें आगे चलता हूँ, कुछ एग्जाम्पल और हैं जैसे कि सात अनुपात अट्ठाईस। अब इसे आप खुद सॉल्व करके देखना, ये मैं आपको होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। ऐसे ही 19/76, ये भी सेम इसी नेचर का है, ये भी आप अपने आप करके देखना। इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, निम्नलिखित अनुपातों को उनके लघुत्तम रूप में लिखिए। अब देखो गाइस पूरी परिभाषा इसकी अब क्लियर होगी आपके सामने। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने देखा कि अनुपात का मतलब क्या होता है, एक जैसे किन्हीं दो वस्तुओं की आपस में तुलना करना अनुपात कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर 2 मीटर और 1 किलोमीटर है, तो दोनों इकाई मापने वाली, लेकिन आप एक बात देखिए, ये इकाई तो मीटर में है और ये इकाई किलोमीटर में है। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं किलोमीटर बड़ा होता है कंपेरिजन टू मीटर, तो इसे करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहले इकाई को एक जैसी बनाना, कैसे, देखिए 2 मीटर अनुपात 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 1 × 1000 इसे हमने दोनों तरफ मीटर में बदल लिया। अब ये दोनों एक जैसी वस्तु हो गई, एक जैसे पैमाने हो गए। अब आप चाहें तो इसमें मीटर से मीटर खत्म, और ये हो गया 2/1000 और 2 एकम 2 और 2 से कट गया 500 बार, तो ये अनुपात आया 1:500। या आपके पास इसका दूसरा तरीका ये भी था कि आप चाहें तो मीटर को किलोमीटर भी बना सकते हैं। जैसे देखिए 2 मीटर अनुपात 1 किलोमीटर, तो अभी आप इसमें ध्यान से देखिए, अभी अभी आपने कहा कि भाई 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो इसी क्रम में देखिए अगर हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मीटर में हमें 1000 मीटर से डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाई ऑलरेडी यहाँ पर 1 किलोमीटर है, तो ये मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा किलोमीटर, और 2 एकम 2, 2 से ये संख्या नीचे वाली कट गई 500 बार और अनुपात 1 किलोमीटर। इसके नीचे कुछ ना, 1 मान लिया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो 1 एकम 1 और 500 एकम 500, अब आपकी दोनों इकाई किलोमीटर में करके हल कर दी गई। आंसर दोनों ही दशा में सेम है, चाहे आप इस तरीके से करें इस तरीके से करें, दोनों ही सेम है। देखिए एक बार देख लीजिए, ये आपकी मुरारी की बुक है जो मैं इस वीडियो में आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, मुरारी नवीन व्यापारिक गणित। इसका मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा है जिसका नाम है अनुपात तथा समानुपात। दिख रहा होगा आप सभी को, एक बार देख लीजिए, अनुपात तथा समानुपात, रेशो तथा रेशो एंड प्रोपोर्शन। अब इसमें ध्यान समझिए, पहले हम सिर्फ रेशो सीख रहे हैं, प्रोपोर्शन आगे आएगा। तो मैंने सबसे पहले जो एक्सरसाइज स्टार्ट करी है वो करी है 2A, और इस वीडियो में आपको इसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ इस बुक का। तो गाइस प्लीज़ ध्यान से फोकस करके पढ़ें। एग्जाम्पल फर्स्ट, 2 रुपये 90 पैसे, अभी भी आपको समझाया। उसके बाद 128/144, 28/196, या आपको होमवर्क में दिया है, 7/128, 19/76। अब मैं इसी क्रम में आगे चल रहा हूँ, और देखिए इस वीडियो में आप एक चीज़ और समझिए, उसके बाद मैं इसको कराना स्टार्ट करता हूँ आगे। सबसे पहले आप इसका इंडेक्स देखिए, तो आपको इंडेक्स में नजर आएगा इस किताब में जितने भी चैप्टर हैं, ये 11th क्लास के जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल है यही, लेकिन साथ ही साथ जो लोग भी SSC या CGL लेवल की कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन लोगों को अच्छे से पता है इस बारे में कि आपको कोचिंग सेंटर